तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मजे पे होंगे, मौज ले रहे होंगे। हम ऋषिकेश की सड़कों में डोल रहे हैं और अभी जा रहे हैं हम बीटल्स आश्रम। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल आश्रम है वो हमारे वर्ल्ड का। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे रुके थे, तो वो आपको दिखाएंगे। तब तक 3 किलोमीटर जाम से हमें गुजरना पड़ेगा। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी आए हैं राधा कृष्ण जी के मंदिर। ये काफी फेमस मंदिर है हमारे ऋषिकेश का। ये आपको पड़ेगा सीधा जानकी झूला है। जानकी झूला के बिल्कुल साथ में ना गली है, टर्न करते ही आपको जो है ये कृष्ण जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ अद्भुत नज़ारा हमारे कृष्ण जी के दरबार का। और अंदर जैसे हमने मेडिटेशन की तो ऐसा लगा कि यार स्वयं कृष्ण जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। पेंटिंग हो रही है। तो गाइस, ये रही अपनी पुस्तकशाला। तिलक यही पे? तिलक लगाना था अंदर। तिलक? हाँ जी, अभी नहीं लगेगा, बाहर से लगे। ये पुस्तकशाला। अच्छा, लगाने वाला नहीं है कोई? तो आपको यहाँ पे सामान वगैरह मिल जाएगा, पीने के लिए ड्रिंक्स वगैरह, मोल कूल चाहिए वो भी मिल जाएगा, बाकी पुस्तकशाला। ये यहाँ पे आ रही ठंडी हवा और हम सोच रहे हैं कि इस साइड से नीचे जाने के लिए स्विंग करके करके करते करते वहाँ पे जाने के लिए। मस्त जो है पानी जो है कतार में आ चुका अपने, इसलिए जो राफ्टिंग जो है हर इसलिए जो राफ्टिंग वगैरह जो है बंद कर दी गई है। तो हम जा रहे हैं अभी आगे मोक्ष धाम द्वार। अबे आगे मत जा बे, रुको सर एक मिनट। अबे आगे मत जाना बे, आगे नहीं जाना, और आगे मत जाना, और सीढ़ी है वहां पे, सीढ़ी है। अभी पी रहे हम जलजीरा नींबू वाला, 20% गैस। यहाँ पे बीटल्स आश्रम कितने दूर है अंकल? क्रॉस करो, सामने बीटल्स आश्रम पहुंच जाओ। अच्छा, क्रॉस करना है रामजुला क्रॉस करके? है इस साइड है। ठीक है, चलेंगे उधर ही। जलजीरा बना रहे ना? हाँ, जलजीरा बना दो ग्लास। शेयर करो, कमेंट करो। मस्त है। बाकी हम गए थे देहरादून वाली साइड में, मसूरी में भी गए थे, वहाँ पे खाने पीने को अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है। हर हर महादेव। पहुँच चुके अभी बीटल्स आश्रम पहुँचने के पहले हम जो अभी जो मतलब कि जगह में चल रहे हैं ना, वो बिल्कुल टूटी फूटी, ये देखो पत्थर वगैरह जो हर जगह फैले हुए हैं। उसके बाद हमने 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 1.5 से 2 किलोमीटर हम जो आए हैं। ये रही 84 कुटिया, टाइगर रिजर्व एरिया मेरे ख्याल से, राजा जी 84 कुटिया। बीटल आश्रम की एंट्री जो कि 150 रुपया पर पर्सन है। जो आपने सर्च किया था ना राजा जी टाइगर रिजर्व, जो अभी बंद था कह रहे हैं, नेशनल पार्क नहीं चल रही, वही है ये केव बीटल्स आश्रम का। हो नीचे क्या है? यहाँ पे आवाज गूंज रही है। नीचे क्या है? नीचे पता नहीं क्या। बीटल जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट और फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, तो यहाँ पे आए थे वो। हाँ जी, आ गया।
जय गुरुदेव पर लिखा हुआ है द बीटल्स आश्रम। कर रहे हो? बिल्कुल अंधेरा लगा हुआ है यार यहाँ पे, अंधेरा सब, मुझे कोई डर लग रहा है, अकेले जा रहे हैं हम, है ना? पीछे चले, चलो पीछे चलते हैं, साफ सुब का कोई पता नहीं है। मुझे इतना ना खास नहीं लगा बीटल्स ना, जिस हिसाब की इन्होंने एंट्री भी रखी हुई है, देखने लायक होना चाहिए बीटल्स ना, थोड़ा सा ना रिनोवेट करना चाहिए इनको। तो अभी पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार, ये रहा हर की पौड़ी का व्यू, यहाँ पे बंदे जो है पाप धो रहे हैं अपने, हम भी अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं अभी। सही है, वीडियो में लगाते हैं, सही लगाना। नज़ारा पता नहीं अब कब देखने को मिलेगा हमें, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और उत्तराखंड का। बड़ी देर के बाद देखा ये। फिलहाल जो है जम्मू पहुंच चुका हूं और इस खूबसूरत जर्नी को करता हूं मैं अब एंड। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो उसको एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्द नए धमाकेदार और नेक्स्ट लेवल व्लॉग के साथ। बाय।